दोस्तों देखें कितना ढाल है जहाँ पे हम लोग जाना है, बस ये है गिरे ना हम लोग, देखें और कितने उधर देखें दोस्तों, खाली कोहरा ही पहाड़ नज़र आ रहा है। चलें चलते हैं, चलो भैया। देखें दोस्तों कितने नीचे भी हम लोगों को जाना है और सामने पहाड़ देख लें हम लोग कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं। देखें भाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पहाड़ है और हम लोग इस पे चल रहे हैं। अल्लाह से दुआ करो कि सही सलामत हम लोग इंशाल्लाह पहुंच जाएं। भाई दोस्तों ये जो मज़ार है ये कमली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार है और हम लोग बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन पर हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए हम लोग इस वक्त कितने पहाड़ कितनी ऊँचाई पर हैं और यहाँ पर अल्लाह के वली सब आराम फरमा है। देखे दोस्तों ये गुफा है, गुफा के अंदर हज़रत कमली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार है और ये पहाड़ देखें आप, यहाँ का लोकेशन। हम लोग यहाँ से आए हैं उतर के वो सीढ़ी से ऊपर, हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है। देखें अब हम लोग जा रहे हैं कमली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह। ये माशाल्लाह पहाड़ के एकदम कोने में है दोस्तों हज़रत कमली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार है और यहाँ पे एक चचा बैठे हैं, अल्लाह से कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह कि हम इस वक्त कितनी पहाड़ की ऊंचाई पे हैं। देखें आप ओ ये कोना है, ये जाली लगी हुई है और नीचे देखें आप वो रोड है जहाँ से हम लोग आए थे। इस वक्त हम लोग कम से कम 3000 फीट की ऊँचाई पर तो होंगे और पहाड़ देखिए ये है पहाड़, ये समझ लीजिए एकदम पहाड़ के किनारे पर ये अल्लाह के वली आराम फरमाए हज़रत कमली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। भाई अंदर से दिखा, और ये अंदर हज़रत कमली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार, हम लोग चल रहे हैं ये यहाँ पर माशाअल्लाह तबारकअल्लाह। ये देखें दोस्तों ये पहाड़ है कमली शाह रहमतुल्लाह ताला, पहाड़ के अंदर ही अल्लाह के वली आराम फरमाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ज़िंदगी में मैंने पहली मरतबा मैं यहाँ पर आया हूँ और ये भैया बैठे हैं वो चचा जान माशाल्लाह अंदर बैठे हुए हैं और वाकई अल्लाह के वली अल्लाह जहाँ चाहे अपने बंदों को पहुँचा दे, वो खालिक व मालिक है, वो रब है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के हिसाब से ही लोग वहाँ पहुँचते हैं, है ना। वो चचा जान माशाल्लाह बैठे हैं, आइए अंदर से हज़रत के बारे में कुछ मालूमात करते हैं। अरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा झुक के आना पड़ेगा माशाल्लाह तबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं ये माशाल्लाह। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आ जाएं करीब, आ जाएं आप करीब, आ जाएं कि देखें यहाँ बैठने की जो जगह है कि देखें पहाड़। ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि अल्लाह की वली यहाँ भी हो सकती है। अब वाकई अल्लाह अपने महबूबों को कहाँ कहाँ पहुँचा देता है वो मेरा रब जाने। और तो चचा जान कुछ आपसे पूछना है सवाल, तो हज़रत के बारे में कुछ बता दें। मैं यहाँ नया आया हूँ, कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ जिक्र है कि ये जो यहाँ ये लेटे हुए हैं ये जगह गुफा का जगह और ये अपने कब्र की जगह अपने हाथों से बनाए, अल्लाह यहाँ 40 साल तक ये इबादत करते रहे। सुभान अल्लाह, हाँ ये 40 साल इबादत करते रहे और ये जानवरों के साथ, इनके साथ जानवर भी रहा करते थे और उनके दाना पानी के लिए इंतज़ाम किया करते थे और ये अपने हयाती ज़िंदगी में मलंग शाह बाबा के जहरीनों को पानी पिलाने का भी काम किया करते थे। ये छबील इनका था बना हुआ, हाँ आज भी वो जिंदा है छबील, आज भी लोग इनके उर्स के मौके पर पानी पिलाना के पिलाने काम करते हैं माशाअल्लाह तबारकअल्लाह। चचा ने बताया दोस्तों आपने देखा कि ये अल्लाह के वली जो होते हैं ये ऐसी ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ लोगों के जहन नहीं जाते। और दोस्तों कोई भी अल्लाह का वली बनता है जब ना मेरे हुजूर की सुन्नतों पे अमल करके। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि अगर कोई आसमान में उड़ रहा हो और वो कहे मैं वली हूँ तो वो वली नहीं हो सकता, अगर वो हुजूर की एक भी सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा तो वो वली नहीं जादूगर होगा। तो दोस्तों इस बात पर आप अमल करें, ये अल्लाह के वली यहाँ कैसे आए, क्योंकि इन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे अमल किया तब ये आप यहाँ पे आराम फरमाएं और ऐसी जगह आराम फरमाएं कि जहाँ पे लोगों के जहन भी नहीं जाते। तो हमने फातिहा पढ़ लिया है हज़रत की बारगाह में और अब देखें आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ है और मैं बैठा हूँ इस तरीके से यहाँ पे, देखें जगह दिखाइए, घर अभी देखिए सर एक जगह है और यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ जो कि मेरा सर
पहाड़ में टच हो रहा है, गुफा है। तो इनको गुफा वाले बाबा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये गुफा वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनका असल नाम जो है हज़रत कमली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद मोहम्मद यासीन कमली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ये होते हैं अल्लाह के वली, जिस जगह चाहते हैं वहाँ आराम फरमा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हज़रत कमली शाह, देखें ये पहाड़ देखें ऊपर, अगर ये चट्टान हम लोगों ऊपर गिर जाए तो हम लोग सीधे पहाड़ के नीचे चले जाएं, ये यहाँ पर अल्लाह के वली मौजूद हैं। तो हम लोगों ने इनका पूरा वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह शूट कर लिया है, इनकी कुछ करामतें भी जो हैं, और ये लोगों की खिदमत किया करते थे। हाँ, अल्लाह के वली आज ये गुफा के अंदर है, हज़रत सैयद कमली शाह रहमतुल्लाह ताला। दोस्तों ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करें, क्योंकि इसलिए कि हम इसी से ख़तरनाक ख़तरनाक जगह आपको जाके वीडियो दिखाएंगे। प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।